How to do a turbo C++ full screen mode in Windows. Windows में C++ full mode में नहीं आती है और आ भी जाती है तो screen recording में problem होती है. तो Windows में turbo C++ full screen mode में कैसे करें, इसकी समस्या को आज हम हल करेंगे. जिसमें version 3.2 turbo C++ को download करना पड़ेगा. Download turbo C++ for Windows 32 और 64 bit with full Windows screen mode with extra features version 3.2. follow these steps. First of all, you have to download Turbo C 3.2 from the link which I have given here in description. If any previous version of Turbo C++ installed on your computer, then first of all uninstall that. कोई और वर्जन है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए. टर्बो C++ 3.2 को डाउनलोड कर लीजिए और उसकी जो जिप फाइल मिली है, जो लिंक हमने दिया, उससे जब आप टर्बो C++ 3.2 जिप फाइल डाउनलोड करिएगा तो सेटअप को रन कर दीजिए. सेटअप फॉर .exe फाइल एक्सट्रैक्ट करने पे मिलेगी, उसको रन कर दीजिए. फॉलो द स्टेप एंड इंस्ट्रक्शन विच आर कम व्हेन यू रन द सेटअप .exe. If any error occurs or अपने C++ को टर्बो C++ को इंस्टॉल कर दीजिए. अगर कोई एरर आती है तो सोल्यूशन ऑफ कॉमन टर्बो C++ इशू हियर. जब आप इसी साइट पे जाइएगा तो वहाँ पर इशू कोई है तो उसको वो सॉल्व कर देगा. हाउ टू यूज़ अ टर्बो C++. अब जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो डबल क्लिक करिए टर्बो C++ के शॉर्टकट की पे, तो आपके लिंक को जो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो चुका है तो आपका C++ चल जाएगा. अब इसमें देखिए फुल स्क्रीन मोड इफ ग्राफिक कार्ड अवेलेबल. अगर फुल स्क्रीन मोड आ रहा है, क्लिक किया हुआ है, तो आपका C++ फुल स्क्रीन मोड पे चल जाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा. और अगर नहीं चलाना फुल स्क्रीन मोड तो इसको अनचेक कर सकते हैं. If you want to run Turbo C++ on full screen, simply click on the button Run Turbo C++. अब आपका एक छोटा प्रोग्राम है, उसको रन करना है आपको, तो सिंपली रन को दबाइएगा तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा. If you do not want full screen mode, uncheck the full screen mode and check box and click on button Start Turbo C++. हमने आपको पहले ही बताया कि स्क्रीन पे जब आप यहाँ पे अनचेक कर देते हैं फुल स्क्रीन मोड को, तो वो फुल स्क्रीन मोड पे नहीं आएगा. अब इसके लिए क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है? इसके लिए रिक्वायरमेंट अगर विंडो 11, 10, 8.1 और 8 है तब तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अगर विंडो 7, विस्टा और एक्सपी है तो आपके लिए .NET 4.5 फ्रेमवर्क रिक्वायर होता है. सेकेंड मेथड है स्क्रीन बफर साइज 80x28 कर दीजिए. विंडोज़ में साइज को 80x28 करने से और विंडो की पोजीशन -4 करने से लेफ्ट और टॉप होम पोजीशन, अनचेक द बॉक्स ऑफ लेट सिस्टम पोजीशन द विंडो एंड एंजॉय द फुल स्क्रीन. अगर इस तरह की सेटिंग आप कर लेते हैं तो फुल स्क्रीन को एंजॉय कर सकते हैं. थर्ड मेथड, हाउ डू आई चेंज द स्क्रीन साइज इन टर्बो C++. Click on property, after that go to the font tab and there change the font to the Lucida console. After that click on the font size and enter the size of 25 or more. After that click on OK. अगर आप font की size Lucida 25 कर देते हैं और font type Lucida console कर देते हैं तब भी आपकी screen जो है वो बड़ी हो जाएगी. How do I exit full screen mode in Turbo C++? First of all, you can click on quit. On quit, clicking quit, you can see the same screen invisible. What you can do, you can just disable full screen mode and now you can click on start turbo C. अब full screen mode को हमने पहले ही बताया कि enable करके आप उसको use कर सकते हैं. अब हम अगर आपको ये पसंद आया हो मेरा tutorial तो please मेरे channel रतन अग्रवाल IT Informer को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कम्युनिटी पे जाके आंसर में पोल करिए, पोल में आंसर करिए, कमेंट ऑन वीडियो करिए, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक करिए, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन, देयर यू गेट अ सपोर्ट
और इसको आप प्रैक्टिकली भी थोड़ा सी करके बता देते हैं कि कैसे करेंगे इसको। इसके लिए आपको सिंपली टर्बो सी पे जाना पड़ेगा। टर्बो सी पे जाने के लिए आपको यहाँ पर टर्बो सी को रन करेंगे। ये डॉस बॉक्स में स्मॉल खुलेगा, लेकिन जब आप इसको रन करिएगा, हमने प्रॉब्लम क्योंकि ऑनलाइन सॉल्व करी है तो डॉस बॉक्स को वो बड़ा कर दे रहा है। अब हम प्रोग्राम को वन बाय वन रन करके देख सकते हैं। हमने बहुत से सी के प्रोग्राम बनाए हैं जो आप रन करके देख सकते हैं, जिसमें पहला हमने बनाया है कि रॉकेट कैसे बनेगा और कैसे उड़ेगा। ये दीपावली पे आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया था हमने, जिसको आप देख सकते हैं। अब इसमें रॉकेट जो है आपका रन करेगा। अब दूसरा प्रोग्राम बनाया है हैप्पी दीपावली, जिसपे आप इसको रन करके देख सकते हैं और पूरा ट्यूटोरियल दिया है। आप साइट पे जाकर के इसको देख सकते हैं। ये हमारी प्लेलिस्ट सीव की एनिमेशन प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ट्रैफिक लाइट पे भी एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसको आप रन कर सकते हैं। ये सारे सिमुलेशन के प्रोग्राम आप सी में कर सकते हैं। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को देखते हैं तो आप ये सारे प्रोग्राम, अगर सी थोड़ी भी आती है तो आप सी में बना सकते हैं। एक छोटा प्रोग्राम और बनाया है जिसमें हमने कार को रन कराया है। अब इसमें कार को रन करा करके डिस्प्ले कराया और चंद्रमा देखिए आपका लेफ्ट में जा रहा है और कार आपकी राइट में जा रही है। तो ये सारा एनिमेशन आप सी में बना हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर। अब यहाँ पर आपको क्विट वाला भी बता दें, जब आप क्विट करते हैं तो सी से बाहर आ जाते हैं। अब सी से बाहर आए तो यहाँ पर आपको ये डॉस प्रॉम्प्ट पे पहुँचा देगा। यहाँ एग्जिट जब आप लिखिएगा तो आप बाहर आ जाइएगा। अब फिर जब सी को खोलिएगा तो ये देखिए फिर डॉस में आया, डॉस बॉक्स में, और फिर उसको आप क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं तो हर बार डॉस बॉक्स को वो फुल स्क्रीन मोड में चेंज कर दे रहा है। तो यहाँ पर डॉस शेल पे जाइएगा तो इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे बता रहा कि अगर आपको सीपीयू की इम्यूलेटर स्पीड चेंज करनी है तो कंट्रोल F11 और कंट्रोल F12 का यूज़ कीजिए। की मैपर के लिए कंट्रोल F1 दे रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको एग्जिट करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे इस मोड में। तो इस तरह से आप, और इसके अलावा ऑल्टर एंटर करके भी आप फुल मोड को स्मॉल और फिर ऑल्टर एंटर करके आप फुल मोड को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑल्टर एंटर करके आप अपने स्क्रीन को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए ऑल्टर एंटर करके फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। फॉलो माई ऑल सोशल मीडिया लिंक। ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टेक रतन एंड एन्जॉय द एनिमेशन इन सी विद माई प्लेलिस्ट सी एनिमेशन एंड लर्न द एनिमेशन इन सी। थैंक यू।